हम जा रहे हैं पहाड़ों पे जिसका की नाम है गुत्तू गंसाली चिरवट्टा म्याली। आ सके तो आली, न आ सके तो अपने घर जाली। हम लोग आज पहाड़ के लास्ट छोर में जा रहे हैं, टिहरी गढ़वाल का लास्ट छोर। बर्फ से पटा हुआ छोटा सा खूबसूरत सा गांव, फिर सुंदर हिमालय घाटियों के बीच में, जिसका नाम है गुत्तू गंसाली। चलिए आपको ले चलते हैं पहाड़ों की ओर अपने साथ। ये है चंबा, ये आता है टिहरी गढ़वाल में, और देखिए इसका नजारा कुछ इस तरीके से है। यहाँ से उत्तरकाशी बाईपास कट रहा है, गंगोत्री बाईपास आगे से नया बन गया है, और ये बाईपास है। तो ये गंगोत्री बाईपास, अभी हमें जाना है नियर अबाउट 100 किलोमीटर हो जाएंगे अभी हम। यही मेरा छोटा सा घर है पास शहीद हॉल में। अभी हम चंबा क्रॉस करके आपको टिहरी लेक दिखाएंगे, एशियाज बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक जो है। तो यहाँ से आप मसूरी जा सकते हैं, देहरादून की भी ये रोड है, गंगोत्री हाईवे पे स्ट्रेट है ये गंगोत्री। ये हमारी बचपन की सारी मेमोरीज है, लौट के आएंगे तो आपको अपना घर दिखाते हुए लाएंगे। थोड़ा सा कंजेस्टेड है, पहाड़ी शहर है। यहाँ से टिहरी डैम जो है 24 किलोमीटर दिखा रहा है। खोड़ी गांव जो है, इतने बड़े बडोरी जी का गांव था, जिनकी सोच थी, जिनके आंदोलन, जिनकी सोच की वजह से उत्तराखंड बन पाया, उन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं। अखोड़ी की एक और खूबसूरत बात है, इतने हाइट पे होने के बाद वो उस गांव के मोस्टली क्रिकेट खिलाड़ी टीम में हैं, स्टेट टीम में भी है, नेशनल्स के लिए भी खेलते हैं। प्रमोशन नहीं मिल पाया उनको उतना, बिकॉज हमारे यहाँ कोई क्रिकेट बोर्ड नहीं था उत्तराखंड का, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बना दिया है, तो उम्मीद है कि अब यहाँ के खिलाड़ी भी नेशनल टीम में खेलेंगे। हॉल्ट लिया है और हम यहाँ पर चाय कॉफी और जो भी मिलता होगा वो थोड़ा सा उसको एंजॉय करेंगे। I love chai. Give me that. बढ़िया बन मक्खन गर्म गर्म चाय। सूरत से छोटे से ये रेस्टोरेंट में कोटेशन बने पाए, ये फेमस टिहरी जिले जिसमें कि लोगों के घर डूबे हुए हैं, बाजार डूबा हुआ है, स्कूल डूबे हुए हैं, कॉलेज डूबे हुए हैं, सब डूबा हुआ है। इसके अंदर कहीं मिलेगा ऐसा नज़ारा देखने। ये है टिहरी झील, बहुत ही सुंदर नज़ारा। प्रकृति ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं और हम लोग उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जी ये है आपका घनसाली शहर, नीचे बिलंगना नदी दिख रही है। कितना खूबसूरत शहर है, पहाड़ों से घिरा हुआ। बिलंगना ब्लॉक है, नगर पालिका है। भागीरथी और भिलंगना से बना माँ गंगा, गंगा नदी जो बनी उसी में से ये भिलंगना नदी है, और हम अभी इस भिलंगना नदी के जो जड़ है वहाँ जाएंगे गुत्तू। गुत्तू में ना, गुत्तू के आगे है खतलिंग ग्लेशियर, और खतलिंग ग्लेशियर से जो है वहाँ से निकल रही है भिलंगना। अच्छा, इसे भिलंग घाटी कहते हैं। तो इनका जोड़ कहाँ पर हो रहा है? जोड़ तो टिहरी में हो रहा है, भिलंगना निकलती है खेड पर, तो खतलिंग से ही निकलती है, और भागीरथी आती है गंगोत्री से। इनका मिलन होगा टिहरी में, वहाँ पर ये भागीरथी बन जाती है। अच्छा, भिलंगना अपना स्वरूप जो है भागीरथी में का स्वरूप ले लेती है, और उसके बाद देवप्रयाग में भागीरथी और अकनंदा का संगम होता है, वहाँ से गंगा पड़ता है नाम। हाँ 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 हाँ, फलंडा डैम है, इसमें पानी आता है मोती टाइप। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और सुबह के हम लोग निकले हुए हैं, 9 बजे के घर से निकले हुए हैं। काफ़ी टाइम हमें लग गया है, एक्चुअली हम रुकते रुकते आ रहे हैं क्योंकि ठंड यहाँ पर बहुत है, और ये बिल्कुल हिल टॉप पे है एकदम।
तो बस अब हम 1 किलोमीटर और पीछे हैं अपने डेस्टिनेशन। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और ये देखिए ये गांव कुछ इस तरीके से दिखता है। ठंड बहुत है यहाँ पर। यहाँ से 1 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना है, तो चलते हैं अब पैदल सफर की ओर। चंदला पहुंच गए हम। बहुत ठंडा है यहाँ पर, देखिए पहाड़ी रास्ता किस तरीके से होता है। हेलो दोस्तों, बस अभी जो है हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे जहां हमें ठहरना है। आप मेरी स्थिति देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी यहां पर ठंड है। हम पालक की पकौड़ी और साथ में चाय खा रहे हैं, इसका स्वाद ही अलग है। ये देखिए गजब। और ये हमारी भाभी जी जो है यहां पर ये बना रही है, देखिए।